हेलो और फिर से स्वागत है स्पाइस बॉक्स में। आज हम मिलके बनाएंगे चंडीगढ़ शेडर चीज एंड बेयर सूप। ये है एक बहुत ही अनोखा बेयर सूप जिसमें ज्यादा केब्स जो बढ़ाते हैं तीखापन और सारे स्वाद एक साथ आते बन जाता है आपके लिए बहुत ही अच्छा समन्वय। जो सामग्री हमें चाहिए इस सूप के लिए वो है एक लीक, दो गाजर, 3/4 कप भर के आटा, हमें चाहिए 1.5 कप चीज, 2 कप दूध और 1.5 कप भर के बियर। मेरे पास है 1.5 कप चिकन स्टॉक। मेरे पास है 1 चम्मच भर के पिसा हुआ राई का पाउडर, 1/2 चम्मच नमक, 2 तेज पत्ते, 2 लहसुन की कलियां, 3 चम्मच या 1/4 कप मक्खन। मेरे पास है 1/2 चम्मच जायफल, 1/2 चम्मच पेपरिका, 4 चम्मच वॉरचेस्टर सॉस और मेरे पास है पिसी हुई काली मिर्च। तो आइए शुरू करते हैं बनाना सूप। मैंने डाला हुआ है मक्खन मेरे पैन में और हम इसे पिघलने देंगे। अब हम डालेंगे तेज पत्ते, लहसुन और लवंग। आइए इस सब को अच्छे से गर्म होने देते हैं और इसे पकने देंगे लगभग 2 से 3 मिनटों तक। अब हम इसमें डालेंगे सब्जियां। और इनको पकाएंगे 2 और मिनटों तक। अब ये मक्खन वाली सब्जियां लग रही हैं बहुत लजीज। अब मैं डालना शुरू करूंगी आटा। अब हम इसमें डालेंगे राई का पाउडर और हम इसे पकने देंगे थोड़ी और मिनटों के लिए। आइए अब डालते हैं वॉरचेस्टर सॉस, जायफल का पाउडर और पेपरिका और थोड़ा नमक और पकाते रहेंगे इसे कुछ और मिनटों तक। आइए अब डालते हैं थोड़ी सी मस्ती। डालेंगे बियर और देखिए तो ये अच्छा सा उबाल। अब मैं डालूंगी इसमें चिकन ब्रॉथ और दूध। अब हम इसमें डालेंगे चीज और फेंट लेंगे। हम चाहते हैं ये हो जाए स्मूथ, इसीलिए फेंटते रहेंगे। मैंने मेरे चीज को कस लिया है ताकि ये कंसिस्टेंसी बहुत अच्छे से मिल जाए और ये पिघल रहा है बहुत अच्छे से। अब मैंने इसे पकने दिया है लगभग 15 मिनटों तक और अब ये तैयार है। आइए इसमें से तेज पत्ते निकाल लें। मैं इसको निकाल लूंगी। गैस बंद कर दूंगी और ये तैयार है सर्व करने के लिए। कई लोग सब्जियों को पीस लेते हैं ताकि स्मूथ हो जाए, लेकिन मुझे पसंद है मेरी सब्जियां चंकी। आइए इसे सजाते हैं थोड़े पॉपकॉर्न के साथ। यह है मेरे सबसे चुनिंदा सूप्स में से एक। यह है रिच, यह है गर्म, यह है संतोषकारक और है बहुत सारी मस्ती भी। इसमें है समन्वय कई तरीके के स्वादों का, इसमें है बहुत सारे मसाले और मस्ती और ये सब कुछ एक बोल सूप में।